बम भोले। पार्वती जी की माता ने नाग नागिनी का 50 साल अंदर है 20 साल बाहर। द्वारकाधीश किसने गाना बगाड़ किया? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बिल्कुल रेडी होके व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी में बुआ ने हमें उठाया था और हम व्लॉग स्टार्ट करना भूल गए थे। तो अब व्लॉग स्टार्ट किया है और हम सब तैयार हो गए, बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, फिर वहीं से जाएंगे रुक्मणी टेम्पल। और आज बहुत सारे टेम्पल्स हम विजिट करने वाले हैं, तो सब कुछ आपको दिखाएंगे। दर्शन कर लीजिए द्वारकाधीश टेम्पल के। गाइस देखिए, हमारा दोनों का आउटफिट कुछ इस तरह का रहने वाला है। ग्रीन ग्रीन थोड़ा सा मैच कर रहे हैं। सो गाइस, यहाँ आ गए हैं सब ब्रेकफास्ट करने। जा रहे हैं हम लोग मंदिरों की ओर, द्वारका में। आ जाओ। कॉफी पीते हुए अभी ब्रेकफास्ट हो गया है और अब हम जा रहे हैं मंदिर घूमने। और हमारी जो बस है वो है, बस भी दिखा दें। जय द्वारकाधीश की जय। जय कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी की जय। बरसाने वाली की जय। तो अभी हम हैं रुक्मणी टेम्पल में और अभी सारी फैमिली आ रही है। बारह साल अलग रहे थे। भोजन को न्योता देने गए थे तीन चार बात को समझना। दुर्वासा जी को जब द्वारिका में भोजन के लिए कृष्ण रुक्मणी जी लेके आते, तब बीच रास्ते में रात आने पर रुक्मणी देवी को पानी का प्यास लगी। कृष्ण जी से बोले कि द्वारिकाधीश, आप मुझे पानी पिलाइए ना, अब रात आगे खींचा नहीं जाता। तब भूमि में भगवान ने दाहिना पैर का अंगूठा जमीन में दबाए और गंगा जी को निकाला। रुक्मणी जी ने पानी पी, भूल इतना हो गया कि रथ में बैठे दुर्वासा जी को पानी का विवेक नहीं किया। बिना आज्ञा पानी पीने पर ब्राह्मण का ऋषि कुल का अपमान हो गया। इसलिए क्रोधित ऋषि दुर्वासा जी ने श्राप दिया कि आप कृष्ण रुक्मणी जी का 12 साल का वियोग हो जाएगा, जुदाई हो जाएगा। इसलिए कृष्ण जी का मंदिर गांव में और रुक्मणी माता का मंदिर यहाँ गांव के बाहर है। आपका आधा तीरथ वहां तो आधी तीरथ यहाँ होता है। दूसरा नंबर का श्राप दिया कि द्वारिका नगरी में कृष्ण ने सब कुछ मिलेगा, पीने का मीठा पानी नहीं मिले। यह श्रापित भूमि होने के कारण यहाँ पूरा 19 किलोमीटर के भीतर में यह जमीन में नमकीन पानी निकलता है खारा। ये रुक्मणी माता की जय। अभी हम रुक्मणी टेम्पल से आए हैं, नागेश्वर महादेव। अभी हम हैं श्री नागेश्वर मंदिर के सामने और ये रही पूरी फैमिली। तो नहीं दिखा पाऊंगी, बट हाँ आप इस तरह से दर्शन कर लीजिए। इतनी सारी गायें। बम बम भोले। एक बात कि मंदिरों के सिर्फ दर्शन कराऊंगी थोड़े थोड़े से, क्योंकि हम लोगों को भी ना टाइम के अकॉर्डिंग वापस जाना पड़ रहा है, तो इस वजह से प्रॉपर नहीं दिखा पाऊंगी। हाँ, पर दर्शन हर एक मंदिर के कराऊंगी। हमें नहीं पता भैया, जो नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे शिव जी जी और पार्वती जी माता ने नाग नागिनी का रूप लिया था, इसलिए इसका नाम नागेश्वर महादेव मंदिर है। सो अभी अब है गोपी तालाब में। क्या है ना कि अर्जुन जी के साथ गोपियाँ आई थी
और उन्हें बहुत अच्छा सा सुंदर सा तालाब लगा, तो वो यहाँ पे मतलब स्नान करने आई। मुख्य प्रवेश द्वार अर्जुन कुंड। अभी भी देख सबको, ये पूरी फैमिली मछलियों को अभिमान हो गया था कि मेरे बराबर बलवान को जीता है, तो उसने भगवान ने क्या कहते हैं उसका अभिमान करने के लिए बोझा कि इन गोपियों को वहां पहुंचा दो। रास्ते में कुंड में उन गोपियों का दिल करा नहाने के लिए, तो वे कुंड में नहाया था उन्होंने, तो अर्जुन का बाण वाण लुटेरे पे पैदा करे थे, मतलब डाकू उनको अर्जुन का धनुष बाण वगैरह सब ले लिए और वो निहत्ते रह गए। फिर उनको गोपी भी यहाँ पे समा गई, फिर ये मिट्टी बन गई, तो इसलिए गोपी कुंड कहते हैं इसको। गोपी कुंड क्या ना, हर जगह ऐसे मार्केट है। हम आ गए हैं मेन द्वारका मंदिर में, जो समुद्र में समा गया था उस मंदिर में, तो यहाँ से हम नाव में बैठते जाएंगे। बीस वाला है, तो बीस वाला पचास वाला, पचास वाला अंदर है, बीस वाला बाहर। सो गाइज वी आर इन बोट द्वारका टेम्पल जाते हुए, जो टेम्पल रिवर के अंदर था। बाकी बच्चे गए, अंदर से हाय करो, हाय। और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अम्मा को इस साइड बिठाया है। अम्मा हाय हाय करो, ये रे ताऊ जी, हाय बुआ। इसलिए इसका नाम भेट द्वारका पड़ गया। द्वारकाधीश जी का मुख्य द्वार मंदिर भेंट, द्वारका के भी दर्शन हो गए हैं। अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए फोन बाहर ही जमा करके गए थे। और अब जा रहे हैं नाव से दोबारा से घर, मतलब होटल। सो गाइस हम आ गए हैं द्वारकाधीश मंदिर से, आ गए हैं घूम घूम घाम के आ गए हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया है। और ये देखिए कितनी क्यूट सी कटोरियां हैं, छोटी छोटी गुजरात में इस तरह से गुजराती फूड, गुजराती स्टाइल में खाना खाते हुए। कृपया खाने का बगाड़ ना करें। ये देखो माय थाली इज क्लीन। किस किस ने खाना बगाड़ किया है? मैंने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, मतलब हमारी फैमिली इज टू गुड। सूजी गाय पर अच्छा है। और यहाँ किस किस ने खाना बगाड़ किया है? बगाड़ नहीं करना खाना, अम्मा ने भी नहीं किया। गाइस खाना कैसा लगा सबको? गाइस जो ये है ना, क्या बोलते हैं, क्या ये द्वारका, द्वारका का खाना बड़ा मस्त है। पहले भी जहाँ खाया था वहाँ भी अच्छा था और यहाँ भी अच्छा है। 130 में अनलिमिटेड थाली,
कितना भी कुछ भी खाओ, मजा आ गया। तो अभी चलते हैं हम होटल की तरफ, फिर शाम को जाएंगे, अब कहीं घूमने थोड़ा रेस्ट करेंगे।